देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। होली का पर्व रंगों का त्यौहार है, इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। इस होली के त्यौहार के पीछे काफ़ी पौराणिक कथाएं हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सद्भाव प्रेम आदि बना रहे, लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से होली का त्यौहार में कुछ फीका दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण कोरोना बीमारी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी देश से जल्दी ही दूर हो और सभी देशवासी स्वस्थ रहें। सभी आपसी प्रेम सौहार्द का त्यौहार है, ये त्यौहार रंगों का त्यौहार है और मैं आशा करती हूँ कि आने वाला जीवन भी हमारा खुशियों के रंग से रंग जाएगा। और भगवान से प्रार्थना है कि जो कोरोना महामारी है वो खुशियों के जो होली जलाते ना उसके साथ जल के ख़त्म हो जाए और हमारा पूरा देश स्वस्थ और सुरक्षित हो जाए। जानते हैं होली का त्यौहार बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है और इस दिन प्रहलाद को जलाने का जो प्रयास किया गया था उससे बचाने के लिए होलिका जो उनकी बहन है खुद आग के बीच में बैठ गई थी। और हम भी जो हम महिलाएं हैं बिड़लकले बनाते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं कि हम प्रहलाद को बचा सके और अच्छाई की जीत हो सके। इसके लिए महिलाएं कई दिनों से भगवान की पूजा अर्चना करती हैं, प्रार्थना करती हैं, व्रत करती हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होकर सज से भगवान से प्रार्थना करती है कि बुराई का इस पृथ्वी से खात्मा हो और अच्छाई की जीत हो।